नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी हो रही है बेतिया जिला में, जैसा कि मेरे सामने में तैयार एक सिंगर, एक अजूबा सिंगर है। ये सिंगर जो है सिर्फ लड़की की आवाज़ में गाते ही नहीं है, इनका आवाज़ ही पतली है और ये बचपन से ही लड़की जैसे आवाज़ में ही गाते आ रहे हैं। और ये सिंगर महज 14 वर्ष के हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और बिहार की धरती पर अपना परचम लहरा रहे हैं। और ऐसा परचम लहरा रहे हैं जिनके समक्ष में कितने नन्हे मुन्ने बच्चे भी इनका गाना सुनने के लिए आ गए हैं, देख सकते हैं कैमरा में। ये जो गाते हैं ना, कोई भी कहते हैं हु बहु लड़की की आवाज़ में गाते हैं, ये लड़की की आवाज़ में गाते नहीं है, इनका आवाज़ ही लड़की जैसा बचपन से ही है। आइए सुनने का प्रयास करते हैं। ये धार्मिक गीत भी गाते हैं, लोग जो है फोरपन गीत गा करके रातों रात वायरल हो जाते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन ये महाशय यूपी से बिलोंग करते हैं और जितने भी गीत गाते हैं वो धार्मिक होता है और इतना अच्छा होता है सामाजिक गीत, आप भी सुनेंगे तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। इस चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते, और मेरा नाम ब्रजेश निषाद है। ब्रजेश जी, आप यूपी में कौन जिला से बिलोंग करते हैं? जिला महाराजगंज के। महाराजगंज से? और मनीष कश्यप के हम इतने बड़े फैन है कि यूपी से चल के आए बिहार में उनका सपोर्ट करने के लिए। क्या बात, इतने बड़े फैन आप है जी। कब से? और गाने के माध्यम से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। किस बात को लेकर क्या मनीष कश्यप के फैन हो गए हैं? कहा कि वही एक इंसान है जो कि पूरे यूपी बिहार को बदल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप सिंगिंग कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? साल भर से करते आ रहे हैं। अब तक में आप कितना एल्बम गा चुके होंगे? 8-9 एल्बम। 8-9 एल्बम। 8-9 एल्बम में गाना की एल्बम गा चुके हैं? गाना गा चुके हैं। हम चाहते हैं 8-9 गाना जो गाए हैं, उस गाना में जो सबसे पॉपुलर गाना है वो हमारे दर्शकों को आप सुनाने का प्रयास कीजिए। पहिले खेल भइल बाद में जेल रे, तेजस्वी यादव कैले कैसन झमेल रे, मिलल हल तो मीना डू सरकार से, तब फसवले मनीष पत्रकार के, FIR कैले थाना में जाके। ये मेरा सॉन्ग बहुत अच्छा है और फेमस म्यूजिक से एक सॉन्ग छूटा है। क्या बात है। मैं ये बताइए, आप जो है तेजस्वी का विरोध कर रहे इस गाना के माध्यम से, आपको पता होनी चाहिए तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम है, आप पे केस भी कभी कर सकती है, क्या करेंगे आप? तो कहें किस कानून से कोई डर रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे इंसान है जो कि यूपी बिहार को बदल सकते हैं और उन पे कार्रवाई कर दी ताकि अपना राज चला सके। किस बात को लेकर क्या मनीष कश्यप से प्रभावित हुए हैं? कहें कि वो ऐसा ही काम ही करते हैं पूरे यूपी बिहार में, करते हैं काम इसीलिए ना, तो कोई गलत करता तो उनको सच का रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे काम करिए। अच्छा ये बताइए, आप एक साल से सिंगिंग करते आ रहे हैं, आपका आवाज़ जो है बचपन से ही ऐसा है? जी बचपन से। तो मनीष कश्यप कितने गाना गाए अभी तक में आप? 3-4 गाना मनीष कश्यप। और नेक्स्ट गाना सुनाइए कौन गाए हैं? बिनती करिल सुनी महावीरा, मनीष भैया के हरली न पीड़ा, फसल बाटे बिहार के हीरा, मनीष भैया के हरली न पीड़ा, बिनती करिल सुनी महावीरा, मनीष भैया के हरली न पीड़ा। वाह, एक ताली होनी चाहिए बात पे, क्या बात है, बहुत खूब। मनीष कश्यप के इतने बड़े फैन आप हैं कि यूपी से चल के बिहार में आ गए हैं, मनीष कश्यप से कभी मिले हुए आप हैं कि नहीं है? नहीं नहीं मिले हैं। आप दो गाना सुनाए, नेक्स्ट गाना कौन गाया मनीष कश्यप सुनाइए जरा सा। मनीष कश्यप के ऊपर एक मेरा सामाजिक सॉन्ग था जो कि वो भी काफी तेजी से वो भी वीडियो आया, सामाजिक सॉन्ग था कि हम सुनाइए जरा कौन सा सॉन्ग था। दिहली जन्म जके दूधवा पिया वाली, दिहली जन्म जके दूधवा पिया वाली, मारे क्यों है तैयार हो गई, बेटवा कसाई बनल है रे विधाता, माई के ममता लाचार हो गई, बेटवा कसाई बनल है रे विधाता, माई के ममता लाचार हो गई। क्या दर्दनाक गीत है बच्चों, अच्छा लगा, एक ताली होनी चाहिए। बहुत दर्दनाक गीत आप गाए हैं और आप तक अभी तक में 8 गीत गाए हैं, क्या कभी कोई असली गीत भी आप गाए हैं? असली मेरा एक सॉन्ग आया था। हाँ हाँ, कौन गया, कौन था सुनाइए जरा सा कौन था। किस साझे लगा दे राजा जी के लिए,
तब नु मजा जवानी के मिली कहे न बुझेल तू परेशानी मन में आवे न उमड़ल जवानी हो बथे कमरिया हमार मरा गते गते लूटल हरिया भतार मरा गते गते। अच्छा ये बताइए आप जो असली गीत गाए थे ये तो आपके परिवार वाले गीत को सुने थे? मेरे परिवार वाले हाँ हाँ काहे नहीं सुने थे, सब लोग सुने थे। सब लोग सुने थे, मतलब शर्म तो लगा था कि हम ऐसा गाना गाए, लेकिन जितने भी हम सामाजिक सॉन्ग गाए हैं सबसे ज्यादा मेरा ये ऑर्केस्ट्रा ही सॉन्ग चला है। तो देख सकते हैं बिहार की धरती किस ओर जा रही है और जो है भारत देश की धरती किस ओर जा रही है। जब अश्लील गीत कोई सिंगर गाते हैं तो उसे लाखों दर्शकों का प्यार मिलता है, और वही सामाजिक गीत गाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं तो वहाँ दर्शकों का प्यार नहीं मिलता है। तो कृपया दर्शक लोग भी सामाजिक गीत को सुनने का प्रयास करें और नेक्स्ट गीत गाए सामाजिक, सुनाइए जरा सा कौन गीत गाए हैं। माँ मुझ पे तो कर उपकार, माँ मुझ पे तो कर उपकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, मेरे बिन भैया को तू रख किससे बनवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी, मेरे बिन भैया को तू रख किससे बनवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी, सुन ले तू अपनी बेटी की पुकार, सुन ले तू अपनी बेटी की पुकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार। वाह बहुत खूब बहुत। कहते हैं गाओ तो कुछ ऐसा गाओ सभी सुनने को मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो सभी ताली बजाने को मजबूर हो जाए। आपका यह गीत सुन के मैं अड़ुआ काटो काट हो गया कि माँ पे ऐसे गीत आपने लिखा, ऐसे गीत गाया। कहते हैं माँ की ही वो गोद है जहाँ मानवता पले, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है माँ के आंचल तले। बहुत अच्छा आप गीत गाते हैं, आगे कैसे गीत गाना चाहेंगे? और आप जो पब्लिक सुनना चाहेगा हम ऐसे गीत गाएंगे, पब्लिक के अकॉर्डिंग आप गाएंगे जी। अगर मान के चलिए पब्लिक आपको असली गीत गाने पे मजबूर कर दे तो आप क्या कीजिएगा, गाइएगा? जब पब्लिक असली गाना सुनेगा तो सिंगर मजबूर होकर गाना पड़ेगा, मजबूर गाना होगा। लेकिन बता दूं मैं आपको, एक सलोनी सिंगर है जो कि आपको बिहार से बिलोंग करती है, रोहतास जिले से, उन्होंने कसम खाई है और मीडिया के सामने में बोली है कि मुझे लाख मजबूरी हो जाए फिर भी मैं अश्लील गीत नहीं गाऊंगी, मैं पारंपरिक गीत गाऊंगी जिसको नीतीश कुमार बिहार के CM 3 कट्ठा जमीन दान करते हैं। लेकिन आप इतने अच्छे गाते हैं और कहते हैं मुझे अश्लील गाना पड़े तो मैं गाऊंगा, ये क्या बोल रहे हैं? क्या इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप? देखिए सलोनी अच्छा गाना गा रही हैं तो लोग अच्छा गाना सुनते हैं, लेकिन कहाँ लोग सुनते हैं? हम तो जहाँ देखते हैं यूपी बिहार में कहीं भी सुनते तो केवल अश्लीली गाना। अभी कहीं पे शादी विवाह हो तो रईस घर की औरतें भी वही अश्लीली गाना पे डांस करती हैं, तो सिंगर मजबूर होकर अश्लील गाना गाना पड़ता है। लेकिन अश्लील गीत का तो कोई लाइफ नहीं है, कहते हैं ऑल्ड इज गोल्ड, जो पारंपरिक गीत होता है, लोकगीत होता है, मतलब अच्छी गीत होता है, उसे हमेशा लोग पसंद करते हैं। हम सामाजिक गीत भी गाए हैं लेकिन सामाजिक गीत नहीं चला है, नहीं चला है नहीं। और जो गीत कोई गाय सुनाई जरा सा दर्शक को, हम एक सामाजिक गीत गाए थे वो नहीं चला, और एक गाए थे साझे लगा दे रजज किली तब नु मजा जवानी के मिली कहे न बुझेल तू परेशानी मन में अवे न उमड़ल जवानी हो बथे कोमरिया हमार मरा गते गते लूटल हरिया भतार मरा गते गते। ये गाना बहुत ही अच्छा खासा चला था, बहुत अच्छा खासा चला था। मान के चलिए अच्छे गाना में आपको लोकोक्ति मिल जाएगी, आपको प्रमोशन हो जाएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा, लेकिन जो आपको प्रसिद्धि मिलती है वो आपको सही गाना गाने पर ही मिलेगी। मेरी राय है आप इतने अच्छे गाते हैं, आप इतने अच्छे माँ पे गीत गाए हैं, बहन पे गीत गाए हैं, आप हमेशा स्वच्छ गीत गाइए, अच्छा गीत गाइए। अगर पब्लिक अच्छा गीत सुनेगा तो हम अच्छा ही गीत गाएंगे। अंत में जो है कोई गीत और गाना चाहेंगे सामाजिक तो सुना दीजिए हमारे दर्शक को। सब कर खुनवा कही रे हौवे, सब कर खुनवा कही रे हौवे, धरमवाया लगा अलगावा, धरमवाया लगा अलगावा। क्या बात है, कॉपी कर ली सलोनी का गीत अभी है।
काहे कॉपी नहीं की है, सलोनी भी गाए, हम भी गाए हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अंत में जो आपको देख रहे हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम जनता आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी ओर से? हम जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग अच्छा गाना सुनिए, सिंगर अच्छा ही गाना गाएगा, लेकिन पब्लिक ही मजबूर कर देती है सिंगर को अश्लील गाना गाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे गीत गाएं और समाज में अच्छी अपनी पर्सनैलिटी बनाएं और अच्छा एक एम बनाएं ताकि लोग आपके नक्शे कदम पर चले। जिस तरह से आपने सलोनी का गाना अभी गा के प्रस्तुत किया, इस तरह से लोग आपके सामाजिक गाना गा करके अपनी प्रसिद्धि पूरा परचम लहराए। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और सब बच्चे इनके गाना सुनने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ये अजूबा गायक है जो कि लड़की आवाज़ में गाते नहीं है, इनका आवाज़ ही लड़की जैसा है। बाकी इनका ये गीत कैसा लगा, जो माँ बहन पर ये गीत गाई, जो सामाजिक ये गीत, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? ब्रजेश निषाद। ब्रजेश निषाद जी को आप समर्थन करेंगे कि नहीं, और इन्हें आगे बढ़ाने में आप कहां तक सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं आपके साथ प्रमोद कुमार, धन्यवाद।